हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अवर चैनल पाठशाला। मैं हूं महेंद्र सिंह और आज हम लोग अपनी करंट अफेयर्स की क्लास MCQ 17 कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले कि क्लास स्टार्ट करें, एक बार आप अपने लेफ्ट एंड टॉप कॉर्नर पर देख लीजिए कछुआ। जी हाँ, ये आपको मोटिवेट करने के लिए है कि आपको इसी की तरह वर्क करना है, कंटिन्यूस एंड स्लोली स्लोली। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हिंदी और इंग्लिश दोनों में जैसे कि हमेशा करता आया हूँ वैसे ही एक बार आप अपने स्क्रीन पे रीड कीजिएगा। विच स्टेट होस्टेड द फर्स्ट एवर नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट समिट। नॉर्थ मतलब उत्तर पूर्वी विकास समिति, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में क्या क्या आते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब, ठीक है। इन राज्यों के विकास के लिए काम करना है, तो इसके लिए जो समिति बनी है वो कहाँ हुई है? वो समिति कहाँ हुई है? मणिपुर में। आप लोगों को याद रखना है कि NEDS नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट समिति कहाँ हुई है? मणिपुर में। और मणिपुर में कहाँ पे? इम्फाल में। अब इस समिति में क्या होगा, क्या क्या किया जाएगा, क्या क्या होगा और क्यों हो रही है? सबसे पहली बात तो ये समिति करवा कौन रहा है? मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट और केंद्रीय व्यापार मंत्रालय। कॉमर्स मतलब व्यापार। केंद्रीय व्यापार मंत्रालय मणिपुर स्टेट की गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये समिति करवा रहा है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है ये देखिए, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि व्यापार और क्या इन्वेस्टमेंट, यानी कि पूंजी का निवेश, इसको बढ़ावा देना। देखिए, जब भी कोई, जैसे आपने कोई नई दुकान खोली, आपने समझिए कोई नई दुकान खोली, तो आप क्या करते हैं? उसका स्टॉल लगाते हैं, ठीक है, फ्री में चाय देते हैं, माला लगाते हैं और हवन करते हैं, लोग आते हैं आपके यहाँ विजिट करते हैं, है ना, सब देखते हैं। तो इस तरह क्या होता है, आपका एडवर्टाइजमेंट होता है, प्रमोशन होता है। तो उसी तरह से जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राफ्ट वर्क चलता है, बहुत ज़्यादा क्राफ्ट वर्क। तो जब ये मेला लगेगा, समिति लगेगी, तो वो लोग अपनी अपनी प्रदर्शनी लगाएंगे, तो लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वही इसीलिए व्यापार और पूंजी का निवेश। शो केस द इकोनॉमिकल पोटेंशियल, यानी कि आर्थिक कितने समृद्ध है वो स्टेट, उसके बारे में दिखाएंगे। और उससे होगा क्या, फूड प्रोसेसिंग कंपनियाँ लगेंगी वहाँ पे, बंबू इंडस्ट्री यानी कि बांस की इंडस्ट्री लगेगी, रियल इस्टेट और अदर बिजनेस उस स्टेट में खोले जाएंगे, जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे वो करेंगे। उससे क्या होगा, जब बिजनेस खुलेंगे तो वहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट के साधन बढ़ेंगे, ठीक है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं काफ़ी सुंदर हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, पहाड़ी एरिया हैं, हिल एरिया, ठीक है। और वहाँ के जो लोग होंगे उनका स्किल डेवलपमेंट होगा और कैपेसिटी बिल्डिंग, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंटरप्रेन्योर आएंगे। तो इसका यही उद्देश्य है। तो मणिपुर में हो रही है NEDS फुल फॉर्म याद रखिएगा, और नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट समिति हो कहाँ रही है याद रखिएगा, उसका मोटो क्या है याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हु हैज बीन बिकम द फर्स्ट एवर फीमेल, यानी कि प्रथम महिला पायलट टू बी इंड्यूस्ड इनटू द इंडियन नेवी, यानी कि इसका मतलब पूछा गया है इंडियन नेवी में पहली भारतीय महिला पायलट कौन है? तो उसका आंसर है शुभांगी स्वरूप। क्या? शुभांगी स्वरूप, ये आपको याद रखना है। एक्चुअली क्या है, अभी 2017 नवंबर में, ठीक, एक बैच निकला है, उसमें क्या है, लेडीज पायलट है, महिला पायलट। तो उसमें से पहली जो है वो शुभांगी स्वरूप, सेकंड नंबर पे आती हैं आस्था सहगल फ्रॉम न्यू दिल्ली, थर्ड नंबर पर आती हैं रूपा ए जो कि पांडिचेरी से हैं, फिर चौथे नंबर पर शक्ति माया एस फ्रॉम केरला। लेकिन आपको पहले नंबर याद रखना शुभांगी स्वरूप, जो कि उत्तर प्रदेश के बरेली से हैं, इंडियन नेवी में प्रथम महिला पायलट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इंडियन रेलवे हैज इंस्टॉल्ड एशियाज, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा
ठीक, सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग SSI सिस्टम इन विच स्टेट, SSI सिस्टम एक होता है सॉलिड स्टेट इंटरलॉक सिस्टम, जो कि रेलवे इसको यूज करता है अपनी मॉनिटरिंग का दायरा बढ़ाने के लिए। पहले क्या होता था, पुराने आपने देखा होगा कभी कोई मूवी में, उसमें एक दिखाता था ऐसे लाइन लगी रहती थी, फिर यहाँ से पटरी, ऐसे ट्रेन चल रही है, फिर यहाँ से बदल गया, डाइवर्जन आ गया। तो ये एक सिस्टम है जिसके द्वारा हम अपना एरिया बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सबसे ये मैं बताऊंगा आपको भी, सबसे पहले ये सिस्टम कहाँ पर लागू किया गया, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल, ठीक, पश्चिम बंगाल में कौन से सिटी में, खड़गपुर के स्टेशन पे। अब हुआ होगा क्या, इससे विल इनेबल स्टेशन मास्टर, यानी स्टेशन मास्टर जो होता है उसको ये इस काबिल बनाएंगे कि सेट 800 डिफरेंट रूट फॉर ट्रेन इन अ मैटर ऑफ मिनट, यानी कि एक मिनट में अगर उससे कहा जाए, एक मिनट में, तो वो क्या करेगा, काफी सारे रूट निकाल देगा कि हाँ ट्रेन अगर मानो कहीं चल रही है, अचानक से पता चला कि इस पटरी में कोई खराबी है, तो फटाक से ट्रेन का डायवर्जन निकाल देगा विद मिनट, विदाउट कोई हैंग इन सॉफ्टवेयर, फटाक से। पहले क्या होता था, पहले टाइम लगता था, हैंग होते सिस्टम, और पहली बार दायरा इतना बढ़ाने था काफी छोटा था। इससे क्या होगा, इट विल रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि अभी आपने देखा होगा पिछले काफी दिनों से काफी कुछ एक्सीडेंट्स हो रहे थे रेलवे में, इसलिए अब इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे खड़गपुर में लागू किया जाएगा इस सिस्टम को। उसके बाद अगर सिस्टम सक्सेसफुल होता है तो धीरे धीरे पूरे इंडिया में इसको लागू किया जाएगा फेज वाइज, एक एक करके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। एज पर विच आर्टिकल, आर्टिकल के क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, एज पर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी संविधान के किस आर्टिकल के यानी अनुच्छेद के अनुसार, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद के अनुसार, द यूनियन कैबिनेट यानी जो केंद्रीय मंत्रालय है, हैज अप्रूव टू सेटअप 15th फाइनेंस कमीशन। जी हाँ, 15th फाइनेंस कमीशन। अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है, आज की डेट में जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो है 14th, इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। चलिए पहले बता ही देता हूं, अभी 14th फाइनेंस कमीशन चल रहा है और ये कब तक चलेगा, 31 मार्च 2020 तक, ठीक है। और ये लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2015 तक, 1 अप्रैल 2015 में लागू हुआ था और ये 31 मार्च 2020 तक चलेगा, ठीक है। और इसने इस फाइनेंस कमीशन के अंडर क्या हुआ है, जो एक्चुअली फाइनेंस कमीशन करती क्या है, पूरे देश में जो भी टैक्स आ रहा है, ठीक, कलेक्ट होकर जो भी टैक्स आ रहा है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, ड्यूटी टैक्स, जो भी टैक्स आ रहा है वो सब कलेक्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट पर, और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जो भी टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो स्टेट को कितना मिलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना रखेगी, ठीक है। सो ये आज की डेट में 42% कर दिया गया है, 42% का बंटवारा होगा। तो ये तो हो गया 14th कमीशन की बात, अब 15th कमीशन की जो स्थापना की गई है या जो इसको लाया जाएगा वो अनुच्छेद कौन सा है, तो वो है अनुच्छेद 280। अब मैं आपको अनुच्छेद 280 के बारे में बता दूं, संविधान में अनुच्छेद 280 में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत हम लोग एक कमीशन बना सकते हैं वित्त से रिलेटेड, जो कि हर साल टैक्स के बंटवारे को डिसाइड करेगी, ठीक है। द कमीशन इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द नेट प्रोसीड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। देखिए ऑरेंज कलर से मैंने क्या लिखा है, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि टैक्सेस का बंटवारा केंद्र सरकार को कैसे होगा, राज्य सरकार को कैसा होगा, इसके लिए एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है जिसकी स्थापना अनुच्छेद 280 में की गई है। प्लीज इसको याद रखिएगा, 280 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, और ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि इस समय कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, तो ऑप्शन 14वां। 15वां फाइनेंस कमीशन कब से आएगा, ये आएगा 2020 के बाद, 2025 तक चलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, हु हैज वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द मोस्ट प्रेस्टिजियस एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड,
एप्सा, क्या APSA, एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड, ये फिल्म से रिलेटेड है, फिल्म इंडस्ट्री से। तो ये जो प्राइज दिया गया है वो दिया गया है राजकुमार राव, जी हाँ राजकुमार राव को दिया गया है। इन्होंने न्यूटन मूवी में बहुत ही बेहतरीन अदाकारी की है इस वजह से। अब आइए इस पिक्चर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है दृश्यम फिल्म्स ने और डायरेक्ट किया है बाय मसूरकार। तो ये पूछ सकता है कभी भी एग्जाम्स में, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो गया है ये कि डायरेक्टर कौन थे, क्योंकि ये मूवी ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई है। ठीक है, तो ये रहा आज के लिए इतना ही। अभी एक क्वेश्चन और है, ठीक है। वॉट इज द थीम ऑफ द 2017 इंटरनेशनल डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, क्यों? क्योंकि महिलाओं के विरुद्ध जो वायलेंस होती है, हिंसा, उसको दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 25 नवंबर को, और इस बार उसकी थीम क्या थी? इस बार उसकी थीम थी लीव नो वन बिहाइंड, एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, लीव नो वन बिहाइंड। अब देखिए बी और सी दोनों सेम दिया है, लेकिन सी में बात की गई रेस फंड, लेकिन हम लोग को क्या किया गया, एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, चाहे महिला हो या फिर लड़की हो, उनके अगेंस्ट हिंसा को रोकना है। वो दिवस कब होता है? 25 नवंबर। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, आने वाले SSC एग्जाम, CHSL एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए दोस्तों, मैं जो भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इधर उधर के फर्जी क्वेश्चन नहीं, ताकि आप लोगों के पास सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज आए। ऐसा नहीं कि हर चीज भंडार आ जाए और फिर आप उसको में ढूंढते रह जाएं कि क्या पेपर आएगा क्या नहीं आएगा। सो प्लीज डेली डेली वीडियो देखिए, अपने नॉलेज को इन्हेंस कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू। टाटा, बाय बाय।